डॉ जिल बाइडन डॉक्टर पंचनाथन मिस्टर मेहरोत्रा डॉ विलियम्स लेडीज एंड जेंटलमैन माइडियर यंग फ्रेंड्स मैं बहुत खुश हूं कि आज वाशिंगटन आते ही मुझे इतने यंग और क्रिएटिव माइंड्स के साथ जुड़ने का मौका मिला है नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है इसलिए ये वैल्यू भी विशेष है डॉक्टर बाइडन आपका जीवन आपके प्रयास और आपकी उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह हम सभी का दायित्व है इस उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक है एजुकेशन स्किल इनोवेशन और भारत में हमने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने युवा एंटरप्रेनर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डिकेड या टैकेड बनाने का है फ्रेंड्स आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है एडवांस टेक्नोलॉजीज है वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी अमेरिका में कम्युनिटी कॉलेज द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका के लिए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं फ्रेंड्स भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा और रिसर्च में आपसी सहयोग के लिए मैं जरूर कुछ विचार साझा करना चाहता हूं इस साझा प्रयास में जरूरी है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री एकेडेमिया टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को शामिल किया जाए एक इंडिया यूएस टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत के विषय हम सोच सकते हैं दुनिया भर में फैले साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स का भारत के संस्थानों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमने 2015 में ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क अभियान शुरू किया था मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके तहत अब तक यूएस सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी फैकल्टी मेंबर्स भारत आ चुके हैं मैं यूएस में शिक्षा और रिसर्च से जुड़े सर्विंग और रिटायर्ड लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी छुट्टियां खासतौर पर विंटर ब्रेक भारत में बिताएं वे भारत को जाने भी और भारत की नई पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान भी बांटें। आप भी जानते हैं युवाओं की क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जो स्पिरिट है वो अद्भुत होता है मुझे लगता है कि दोनों देशों को मिलकर अलग अलग विषयों पर हैकाथॉन भी करना चाहिए और इससे हमें आज की कई समस्याओं के समाधान भी मिल सकते हैं और भविष्य के लिए नए आइडियाज भी हम वोकेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस म्यूचुअल रिकग्नेजेशन के बारे में भी जरूर विचार कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका से भी बच्चे भारत आए और भारत को देखें भारत को जाने मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि वो दिन दूर नहीं जब नवाहो नेशन का युवा भारत के नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में बैठे अपने दोस्त के साथ मिलकर एक आइडिया एक प्रोजेक्ट को को डेवलप करेगा आप लोगों ने मुझे इतने सारे आइडियाज दिए इसके लिए मैं सचमुच में इन दो नौजवानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मैं एक बार फिर फर्स्ट लेडी डॉ जिल बाइडन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मैं नेशनल साइंस फाउंडेशन को भी और सभी को यहां आने के लिए फिर से धन्यवाद देता हूं थैंक यू